के डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। 23/4/2021 की ये लेटेस्ट न्यूज़ है राजस्थान सरकार गृह विभाग की तरफ से, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो आदेश जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, COVID-19 से प्रतिदिन मृतकों और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में महामारी से प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए लॉकडाउन के बजाय सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी दिशा में यह दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें राज्य की जनता का सहयोग अपेक्षित है। ठीक है दोस्तों, जन अनुसंधान पखवाड़ा संबंधित विभागीय जन संख्यक आदेश दिनांक 18/4/2021 के क्रम के अनुसार अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी 23/4 को उसके बारे में बिंदु संख्या 1 से पूर्व में वर्णित विभागों के साथ साथ वन विभाग, जीव विभाग, आयुर्वेदिक विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों का समय 4 बजे तक रखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कोविड प्रबंधन में सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता है तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अनुमति के पश्चात ऐसा कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए के बैठक की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु मुख्यालय पर उपलब्ध रहने एवं घर से काम करेंगे वो। इसके बाद कार्यालय पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमित की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बीच में एक ई मित्र वालों के लिए, आधार कार्ड वालों के लिए अच्छी खबर है। ई मित्र आधार कार्ड केंद्र खोलने की अनुमति दी जाती है, यानी वो खुले रहेंगे। ई मित्र आपके सुबह से ही शाम तक पूरे खुले रहेंगे। बिंदु संख्या 17 में बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की सेवाएं आम जन के लिए प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चालू रहेगी। यहां तक संभव हो सके संस्थाओं को द्वारा कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो दुकानें या राज्य उपभोक्ता के आवश्यकताओं के मद्देनज़र बाजार को निम्नानुसार खोलने जाने की अनुमति दी जाती है, तो दुकानें का समय क्या रहेगा उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ यानी किराने की सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा रिटेल थोक होलसेल दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से शाम को 11 बजे तक का समय रहेगा इनके लिए। इसके बाद पशु चारा से संबंधित खुदरा रिटेल थोक होलसेल दुकानें सोमवार से शुक्रवार 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें परिसर सोमवार से गुरुवार 6 से प्रातः 11 बजे तक खुली रहेगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से खुलेगी, 11 बजे बंद करने का टाइम है वापस सुबह ही, फिर शाम को वापस खुलेगी 5 से लेकर 7 बजे तक खुलेगी। मंडियां एवं फल फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक। इसके बाद जो सब्जियां और फल ठेले हैं, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय कर रहे हैं, उनको प्रतिदिन 6 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है खोलने का। बाजारों में ये एक नीचे और निर्देश दिया गया है, शनिवार और आदित्यवार के लिए जो दुकानें बंद रहेगी उसमें से 4, 5 और 6 क्रम संख्या को छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेगी। यानी डेयरी और दूध की दुकानें खुली रहेगी, मंडियां, फल सब्जियां, फूल मालाओं की दुकान खुली रहेगी, सब्जियां, फलों की ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय किए जाने वाले सारी चीज़ें खुली रहेगी। इसके अलावा सारी दुकानें पूर्ण तरह बंद रहेगी। चलें ऊपर, और सभी को परामर्श दिया जाता है कि जहां तक संभव हो बाजार में खरीदारी हेतु दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन का प्रयोग ना करें एवं नजदीकी दुकानों से ही पैदल, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन यानी साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हुए खरीदारी करें, जिससे कि बाजारों में भीड़ भड़ाका ना हो। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व्यापारी संगठनों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे। बिंदु संख्या 20 से प्रोसेस्ड फूड, मिठाइयाँ एवं मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा की अनुमति दी जाती है। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसमें 18/4/2021 द्वारा जारी आदेश अनुसार माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूर
भास अथवा दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सालय चिकित्सक स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत होंगे। सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां एवं खनन पंजीयन एवं मुद्रांक एवं आबकारी दुकानें आदि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी द्वारा किसी भी राज्य कर्मी को विवाह स्थल पर भेजा जाकर सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर एवं विवाह की में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी कराई जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी समारोह से संबंधित पूर्व में दिए कपड़े, सिलाई, आभूषण इत्यादि के ऑर्डर को की होम डिलीवरी की जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं उनको। आप दुकान पर नहीं जाके उनको आप होम डिलीवरी के लिए बोल सकते हैं दुकानदारों को। निजी यात्री वाहन बसों को छोड़कर केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे। समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी एवं अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। यह आदेश सोमवार दिनांक 26/4/2021 प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50% तक ही अनुमत होंगे। इसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। जन अनुसंधान पखवाड़ा के दौरान जन जागरूकता हेतु संभावित भीड़ भड़ाके के क्षेत्र में NCC एवं NCSS आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से जनता को मास्क पहनने एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु प्रेरित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, CNG, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा थोक आउटलेट अपने एवं यथा समय पर खोलने की अनुमति होगी, परंतु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, LPG सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होंगे। ध्यान रखें दोस्तों, जो निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाना चाहता है तो उनके लिए ये टाइम है 7 बजे से लेके 12 बजे तक अनुमति होगी इनको भरने की। शुक्रवार 6:30 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू हो रहेगा, जिसमें अनुमत गतिविधियां जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल जाने आने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण संबंधित गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेंगे। आवश्यक कार्य से ही बाहर घरों से बाहर निकले एवं वीकेंड कर्फ्यू की पालना करें। ठीक है दोस्तों, उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर IEPC की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपयुक्त आयुक्त द्वारा नो मास्क नो मोमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाए। समस्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देश में कोई भी परिवर्तन गृह विभाग की पूर्व अनुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा अपने जिलों में पूर्व में जारी किए गए विभिन्न आदेश इस आदेश से रद्द किए जाते हैं। यह आदेश 25/4/2021 को प्रातः 5 बजे से प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा जारी आदेश 31/3/2021, 4/4/2021, 4/9/2021, 14/4/2021, 16/4/2021 एवं दिनांक 18/4/2021 के अनुसार अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। जो पहले से निर्देश जारी है वो यथावत रहेंगे। ये अपने गृह सचिव अभय कुमार जी द्वारा बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके साथ और शेयर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।